और आज छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, जिसे लेकर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अमित शाह आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जितने भी वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और बुद्धिजीवी वर्ग से अमित शाह डरे हुए हैं, क्योंकि वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मोदी जी के पिछले 10 साल के वायदा खिलाफी का हिसाब छत्तीसगढ़ की जनता को देना होगा। मोदी जी के दोनों कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन छत्तीसगढ़ की जनता ने किया था। उन्होंने वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन इन किसी भी वायदे को मोदी जी ने पूरा नहीं किया है। अब जब अमित शाह जी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए आ रहे हैं, मोदी जी के इन 10 वादों का हिसाब छत्तीसगढ़ की जनता को उन्हें देना होगा।